गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स। और इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड के बारे में बताया गया था एच प्लस आयन रिलीज करेगा, शोर होता है टेस्ट में, खट्टा होता है। और बेस के बारे में बताया गया था ओ एच आयन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन से, और बीटर होता है टेस्ट के अंदर। वो एसिड का रिएक्शन देखा था मेटल से जिसमें साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ये भी देखा था आपने। और उसके कुछ और इंपॉर्टेंट टेंडेंसीज पे हमने डिस्कस किया था, बट आज हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर चेक करेंगे। और एसिड बेस इंडिकेटर चेक करने के बाद में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस और करने वाले हैं एसिड के बेस पर। तो जैसे हमने कार्बोनेट के साथ में एसिड का रिएक्शन कराया जाए, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाए, या फिर हम लोग मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराएँ, तो वो सब क्या बनता है जो हमारे एग्जाम में व्हाट हैपेंस या कन्वर्जेंस में पूछा जाता है। और एवरी ईयर्स 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे रिएक्शन से आते हैं, और वो रिएक्शन कहीं से और नहीं इसी चैप्टर से आता है या फिर मेटल और नॉन मेटल से आता है। तो मेटल और नॉन मेटल का बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारी हेडिंग्स उसकी रिमूव कर दी गई हैं। 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें मेटल और नॉन मेटल ही इंक्लूड है। बट यहाँ से तो आपको एसिड और बेस का चैप्टर, जो साल्ट का चैप्टर, उसके पूरा पढ़ना है। और इसके पहले के वीडियो को आप ठीक से देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे इंडिकेटर सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि किसी भी सोल्यूशन में एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे कहने का मतलब है कि हमने कोई 2 बीकर ले लिए और इसके अंदर हमें नहीं पता है कौन एसिड है और कौन बेस है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो इंडिकेटर के थ्रू ही करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सोल्यूशन में एसिड और बेस का डिटर्मिनेशन करने में हेल्पफुल होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और दूसरा होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम टर्मरिक यूज़ करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में हम लाइकेंस को यूज़ करते हैं, बट सिंथेटिक में हम मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन का यूज करते हैं, और लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशंस का भी यूज करते हैं। और फ्लो चार्ट आप लोग अपने नोट्स में जरूर बनाएंगे, फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे भी, बिकॉज जब 12th में होंगे तो प्रैक्टिकल करना होगा, तो इसमें जो कुछ इंडिकेटर है उसका यूज हम टाइट्रेशन के फॉर्म में करते हैं, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब इंडिकेटर्स तो आप समझे कि ऐसे सब्सटेंसेज जो किसी भी सॉल्यूशन से एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम तो आपको देखना कि टर्मरिक है, इसका एग्जांपल टर्मरिक जो होती है, नेचुरल लाइकेंस भी नेचुरल है, मेथाइल ऑरेंज भी ये सिंथेटिक है, फिनोफ्थेलिन इज आल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और इसके बाद में ये इंडिकेटर्स के कुछ नाम यहाँ आपको नीचे दिए हुए हैं, एसिड और बेस के साथ में इंडिकेटर कैसा चार्ज, कैसा चेंज करते हैं वो दिया जा रहा है। तो सबसे पहला हमने जो इंडिकेटर लिया वो रेड लिटमस का लिया हुआ है, सोल्यूशन लिया हुआ है, और रेड लिटमस के सोल्यूशन को जैसे ही हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करता है, जो इसका कलर होगा नेचुरल कलर में रहेगा। बट अगर इसी रेड लिटमस सोल्यूशन को हमने बेस के साथ में कर दिया तो वो अपना कलर चेंज कर देगा और वो सोल्यूशन किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा। उसके बाद में हम ब्लू लिटमस लेते हैं और ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड के साथ में कराते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम बेस के साथ में करवाते हैं तो ये किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करता है। यानी कि ब्लू लिटमस इसको एसिड के साथ में तो रेड करेगा बट बेस के साथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, इट विल नॉट प्रोसीड एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, इट मींस नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक को जो हम लेके चलते हैं एसिड के पास, तो ये कोई कलर नहीं देता है, टर्मरिक का जैसा कलर है नेचुरल वैसा ही रहेगा, येलो है येलो ही रहेगा। बट अगर इसको हम एसिड बेस के पास लेके चलेंगे तो ये टर्मरिक बेस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जो येलो कलर था उसका वो कलर गायब होगा और धीरे धीरे वो रेड कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वही टर्मरिक एसिड के साथ में किसी तरह का कोई कलर चेंजिंग नहीं करता है। उसके बाद में बात आती है मेथाइल ऑरेंज की, मेथाइल ऑरेंज का फार्मूला यहाँ सब लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, ये मेथाइल ऑरेंज का फार्मूला है C14H14N3NaO3S, ये मेथाइल ऑरेंज का फार्मूला है। और मेथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड के साथ डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है, और अगर बेस के साथ में डालते हैं तो यही मेथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर क्या होगा अगर कोई भी एसिड है और उसका मेथाइल ऑरेंज से किया जाए तो रेड कलर चेंज करेगा, या बेसेज मेथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कलर चेंज करते हैं तो वहाँ पे येलो कलर चेंज करते हैं। उसके बाद का है लास्ट आपका इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन,
और फिनोफ्थेलिन को पीएच स्मॉल लेटर से भी हम डिनोट करते हैं। ये कलरलेस होता है फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन की बॉल्स भी होती हैं, ये कलरलेस होती हैं और इनका फार्मूला C20H14O4 दिया हुआ है आपके नीचे। अगर इस फिनोफ्थेलिन को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देगा, नो चेंज इन कलर। बट अगर इसी फिनोफ्थेलिन को हम बेस के साथ में लेके जाएंगे तो इट विल चेंज इन पिंक कलर, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये था आपका इंडिकेटर, सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं हम लोग, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिकेटर्स। और इसका एग्जांपल है नेचुरल में तो हमने दो शुरू में दे रखे हैं, टर्मरिक और लाइकेन। आफ्टर दैट मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थेलिन या लिटमस पेपर का सोल्यूशन जो भी है, वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं और इनके चेंज कलर ये बहुत अच्छे से आप नोट करके अपना नोट बनाएंगे। अगली बात जो हम करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इंडिकेटर्स को आप चेक करेंगे। अगली जो बात करेंगे हम लोग वो जरा देखिएगा, टाइम को बचाने के लिए इसको मैंने पहले से राइट कर दिया था क्योंकि आगे हमें टाइम लगेगा रिएक्शन को समझना है। अब इसमें देखिएगा, एक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, एक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, एक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड का क्या एक्शन होगा, एसिड का क्या प्रोसेस होगा अगर वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो? तो सबसे पहला क्या बनेगा ये देखिएगा, अगर हम मेटल कार्बोनेट्स को लें, मेटल कार्बोनेट्स को लिया और इसके ऊपर कोई एसिड डाल दिया, जैसे मान लीजिए हमने HCl डाल दिया और मेटल कार्बोनेट के HCl से जैसे ही रिएक्शन प्ले करेंगे तो सबसे पहले ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साल्ट बनाएगा, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा और उसी के साथ में ये वाटर भी लिबरेट कर देगा। अब अगर हमने मेटल कार्बोनेट की एग्जांपल देनी है तो हमने ले लिया Na2CO3 ले लिया। अब ये Na2CO3 लिया हमने और इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl से, ये एसिड है और ये सोडियम मेटल, सोडियम है, कार्बोनेट CO3 है, इसका रिएक्शन कराया तो साल्ट बनेगा, तो साल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl साल्ट बना। साथ में क्या बनेगा, इस कार्बोनेट से ऑक्सीजन फ्री होगा और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होकर गैस इस फॉर्म में जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो रही है, कार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन यहाँ वेट करेगा तो बनाएगा क्या, H2O बनाएगा। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यही है मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो, ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, वाटर भी है। अब ये बैलेंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करिए, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 2NaCl कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन बढ़ गया, दो हो गया, दो हाइड्रोजन, दो 2 1 3 एंड 3 कार्बन वन, सही बैलेंस हो गया। ये था आपका पहला एग्जांपल। अब बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप करवाते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ले लोगे तो भी वही मिलने वाला है, साल्ट बनेगा CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कोई भी मेटल ले होगा। लेकिन एक रिएक्शन हम आपको देते हैं विथ मेटल बाई कार्बोनेट। अब इसका देखिएगा, मेटल बाई कार्बोनेट में आपको NCERT में दिया हुआ है, जो वो मैं दे दूं आपको, पहला NaHCO3, मेटल यहाँ सोडियम है, बाइकार्बोनेट ये है, प्लस HCl ले लिया और इसका रिएक्शन कराया तो ये क्या बनेगा, ये साल्ट जो बनेगा वो तो NaCl बनेगा, सबको पता ही चल गया होगा, और साथ में कार्बोनेट आयन से रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, एक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है कार्बोनेट आयन से, ये क्या बनाएगा, वाटर। आई थिंक ये बैलेंस भी होगा, वन सोडियम वन हाइड्रोजन एंड वन टू हाइड्रोजन
वन कार्बन थ्री ऑक्सीजन टू एंड वन थ्री ऑक्सीजन वन क्लोरीन ये आपकी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स है ये, और यह है सोडियम क्लोराइड, यह है सोडियम क्लोराइड। एक रिएक्शन एनसीईआरटी आपकी और दे रही है, उसके बारे में जरा देखिएगा आप लोग, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एग्जांपल एनसीईआरटी का है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का दूसरा एग्जांपल CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे ये कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन है, एच के साथ में CO3 तो कार्बोनेट आयन है, बट जो बाइकार्बोनेट आयन होगी वो एच CO3 पे चार्ज जाएगी, इस पर आएगा, और ट्वाइस इसका डबल माइनस आएगा क्योंकि CA के पास अकेले प्लस टू होता है और एक HCO3 के पास एक माइनस का साइन होता है, तो इस पर डबल प्लस है तो इस पर डबल माइनस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, ट्वाइस करना पड़ा है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया HCl से, तो ये क्या क्या हमारा साल्ट जो बनाएगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा ये HCO2 बनाएगा ये, और साथ में क्या बनाएगा ये H2O बनाएगा। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, तो कैल्शियम तो बैलेंस है, क्लोरीन नहीं बैलेंस है, क्लोरीन नहीं बैलेंस करने के यहाँ जो है यहाँ पे 2HCl कर दिया, 2 हाइड्रोजन्स 2 4 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे 2 and 2 2 4 हाइड्रोजन्स, कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिया, अब ये कैल्शियम कैल्शियम क्लोरीन दो क्लोरीन, चलिए हाइड्रोजन देखेंगे 2 and 2 4, तो 2 2 4 देखेंगे, कार्बन 2 तो 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 3 6, तो 2 2 4 and 2 6, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, ये होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, और ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिएगा कि HCO3 पे माइनस का साइन होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन होता है, CO3 पे माइनस का साइन आएगा तो ये कार्बोनेट आयन होगा, डबल माइनस का रहेगा, और इस पर एक ही माइनस का साइन आएगा। क्यों ऐसा होता है, HCO3 पे एक माइनस है और CO3 पे डबल माइनस है, इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक एच प्लस भी आके जुड़ चुका है ना इसके साथ में, तो इसके ऊपर तो एक प्लस इसे एक माइनस को खत्म करेगा, तो ये बनाएगा क्या HCO3 बनाएगा, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन हम लोग जो देखने वाले हैं वो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब इसमें देखिएगा, हमने ले लिया है क्या, कॉपर ऑक्साइड ले लिया CuO और ले लिया HCl, तो ये क्या, पहले से ये देख लो आप बनाएगा क्या, ये बनाते क्या क्या है, साल्ट और वाटर बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड से कराई जाएगी तो ये बनाएगा साल्ट, साथ में बनाएगा वाटर। अब मेटल ऑक्साइड में हमने ले लिया CU2O, NCERT जो दे रही है उसी को करवाएंगे, CuO और साथ में ले लिया HCl, अब CU के ऊपर प्लस टू का साइन आता है तो यहाँ पे बनाएगा ये CuCl2 और साथ में बनाएगा H2O। बैलेंस अगर करोगे आप तो CU तो बैलेंस है, क्लोरीन दोनों नहीं बैलेंस है तो 2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको हम Na2O, ये भी सोडियम ऑक्साइड है, अब इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दिया और इसका रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा, जो साल्ट बनेगा वो NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा H2O बनेगा। बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 से कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 हाइड्रोजन Na2 यानी कि सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन हो गए, ये होगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड है अगर उनको भी एसिड से कराओगे
तो वो क्या देंगे, साल्ट और वाटर। तो आपने पहला क्या देखा है आज का टॉपिक, इंडिकेटर चेक किया है, इंडिकेटर। दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। और टाइप ऑफ इंडिकेटर में आपने देखा है, एक तो देखा आपने नेचुरल, नेचुरल का आपको एग्जांपल दिया गया है लाइकेन और साथ में दिया गया है टर्मरिक, ये दोनों नेचुरल थे। सिंथेटिक में गए हो आप तो मेथाइल ऑरेंज को चेक किए हो, मेथाइल ऑरेंज चेक किए हो और फिनोफ्थेलिन देखे हो, फिनोफ्थेलिन देखे हो, साथ में आप देखे हो लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन को चेक किए हो आप। उसके बाद में आपने देखा है जो आज के टॉपिक में देखा है, एसिड का रिएक्शन आपने देखा है मेटल कार्बोनेट के साथ में देखा है, मेटल कार्बोनेट के साथ देखा है। फिर आपने एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ चेक किया है, इन सब का रिएक्शन करा दिया। फिर आपने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से किया है, मेटल ऑक्साइड से किया है। ये रिएक्शन जब एसिड का मेटल कार्बोनेट से कराया था आपने, तो आपको मिला था साल्ट मिला था, वाटर मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। इनका रिएक्शन कराया था बाइकार्बोनेट का कराया था, तब भी आपको साल्ट ही मिला था, वाटर मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। बट यहाँ पर जब आपने कराया तो अभी ऊपर लिखा हुआ है, एक तो साल्ट मिला है आपको और साथ में क्या मिला है, वाटर मिला हुआ है। तो ये रिएक्शंस और इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आप पुट करिएगा, चेक करिएगा। और अगली वीडियो आपको नेक्स्ट में जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वेट करिए क्या होगा। अच्छे से आप लोग अपने रिवीजन करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। थैंक यू।